हाय सलाम सत श्री अकाल नमस्ते खम्मा गनी दोस्तों, वेलकम बैक टू नागदेव वाइब्स। मैं हूं आपका मनीष नागदेव। आज मैं आपको लेकर आया हूं पुष्कर मार्केट राजस्थान में। ये मार्केट पुष्कर का सबसे फेमस मार्केट है जो मंदिर के बिल्कुल पास आता है। यहां लोग दूर दूर से आते हैं और यहां की वाइब बहुत ही वाइब्रेंट होती है जो फिरंग टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। आज के ब्लॉग में मैं आपको पुष्कर की काफ़ी सारी हिस्ट्री बता दूंगा। ब्लॉग में बने रहना क्योंकि ये तो सिर्फ झांकी है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस पूरे मार्केट में एक भी कार अलाउ नहीं होती है। आप दूर ही अपनी कार पार्क करके अंदर आते हैं। करीबन 1.5 किलोमीटर की ये गली गुजरती है। पूरे गली में मार्केट चलता है। यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है गुलखंड और गुलाब जल, जो आपको बहुत फ्रेश, ताज़ा और प्योर मिलेगा, क्योंकि पुष्कर में गुलाबों के खेत ही खेत हैं। बहुत एक्सपोर्ट होता है। जैसे भैरवनाथ के दर्शन के बिना वैष्णो देवी जी का दर्शन अधूरा है, वैसे ही सरोवर के बिना ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन अधूरा है। सरोवर के अंदर ही सारी पूजा होती है। ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करना मना है। मतलब फूल होता है, कर मतलब ब्रह्मा जी के हाथ का नाम होता है, जिसका छंद विच्छेद करने पे नाम पड़ा पुष्कर। अपने हिंदुओं में 33 कोटि देवता होते हैं, उनमें से 3 देव प्रमुख है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव का स्थान है काशी, विष्णु का स्थान है गया, और ब्रह्मा जी का इस मृत्यु लोक पे कोई स्थान नहीं था। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं, विष्णु भगवान, आप सभी का अपना अपना स्थान है, आप सभी की पूजा अर्चना होती है, तो मेरा भी अपना कोई स्थान होना चाहिए, मेरी भी कोई पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो विष्णु भगवान अपनी नाभि से उत्पन्न कमल का पुट ब्रह्मा जी को देते हैं। वह कमल का पुट ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हुए गिराते हैं। उसके गिनने से 7 पाताल छिद्र हो गए, जल निकलता और नाम पड़ता है पुष्कर। ये ब्रह्मा जी की तपोस्थली है। यहाँ ब्रह्मा जी ने 11,000 सालों तक तपस्या की। तपस्या करने का मूल उद्देश्य होता है एक तो यज्ञ का समय निकलना और दूसरा सृष्टि का निर्माण करना। तो यज्ञ का समय निकला एकादशी ग्यारस से लेकर पूर्णिमा तक का, जिसका प्रतिवर्ष की भांति मेला भरता है। तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, उसमें अपनी पत्नी का भी होना अनिवार्य है, बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने बड़े पुत्र नारद को कहा, जा अपनी माता को बुला ला। जब नारद जी जाते हैं तो मन में विचार करते हैं कि मैंने समस्त देवताओं में झगड़ा कराया, अगर माता पिता में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। ऐसा मन में विचार लेके नारद जी माता सावित्री के पास में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जगत पिता ब्रह्मा की स्त्री है, आप ऐसे जाएंगे तो सौभाग्यमान नहीं होगा, तो आप 16 श्रृंगार करो, अपने सखियों को इकट्ठा करो, ढोल नगाड़े ताशे उनको बुलाओ, फिर आप यज्ञ स्थल पे पधारना। ऐसा बोल के नारद जी ब्रह्मा जी के पास में आते हैं और बोलते हैं कि माता को तो तैयार होने में समय लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, हजारों सालों की तपस्या के बाद में यज्ञ का समय निकला है, अगर ये चला जाएगा तो न जाने वापिस कब आएगा। तो उन्होंने अपने द्वारपाल, ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है, सुरपति इंद्र भगवान और धनपति कुबेर भगवान, तो इंद्र भगवान को आदेश दिया कि आप इस दिशा में जाइए, जो सर्वप्रथम आपको कुंवारी कन्या मिले उसको लाइए। इंद्र भगवान जाते हैं तो उनको एक गुजर कन्या मिलती है जो दही दूध चाच वगैरह बेच रही होती है, उसको लाके इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के साथ में बिठा देते हैं। तो सभी देवतागण कहते हैं, ब्रह्मा जी आप तो ब्राह्मण हो, ये गुजर कन्या है, ये विवाह कैसे होगा, कैसे यज्ञ होगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस गुजर कन्या को घास बनाया और देवताओं की जो गाय होती है कामधेनु उसको खिलाया। ऐसा करने से माँ गायत्री की उत्पत्ति होती है। फिर वेद माता गायत्री ब्रह्मा जी के साथ में बैठती है। 5 दिनों तक यहाँ यज्ञ चलता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद में अग्नि में आहुति दी जाती है, उसका उच्चारण होता है ओम स्वाहा ओम स्वाहा, तो उसका आवाज पूरे ब्रह्मांड लोक में सुनाई देती है, जो माता सावित्री के कानों में जाती है। तो माता सावित्री सोचती है, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे स्थान पर वहाँ कौन है। जब उन्होंने आके देखा तब ब्रह्मा जी को श्राप दिया, मेरे होते हुए सारी गृहस्थी का अपमान किया, जाऊं मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके पूरे संसार में एक ही मंदिर होगा
उस मंदिर की कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। जो साधु संन्यासी होता है वह तो मंदिर की पूजा अर्चना करता है, और जो गृहस्थी होता है अगर सरोवर का स्नान करता है, स्नान नहीं करता तो पंच स्नान करता है, जिसको मारवाड़ी में अपन कहते हैं भीगे कान हुए स्नान। पुष्कर में हमारे यहाँ तीन काम के लिए आया जाता है। पहला काम होता है जिसके घर में कोई गुजर जाता है तो उसका होता है अस्थि विसर्जन। दूसरा यहाँ होता है पिंडदान श्राद्ध और तर्पण, जैसे गया में माता का होता है, प्रयाग में पिता का होता है, पुष्कर में सात कुल का होता है। जो सौभाग्यशाली सुपुत्र होता है वो अपने तीर्थ में आके अपने पितरों को याद करता है, उनको जलदान देता है और उनका आशीर्वाद प्रदान करता है। तीसरा जो काम होता है, जो राजी खुशी घूमने आता है, 11 रुपए की फुलपचाक की थाली मिलती है, जो सरोवर पे बैठ के चढ़ाई जाती है, दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा का होता है। जिसको जैसा भगवान ने सामर्थ्य बनाया वो वैसा अपना काम करता है। बोलो पुष्कराज महाराज की जय। ये सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है यहाँ पे आने का? कार्तिक महीना, कार्तिक एकादशी 11 से लेके पूर्णिमा तक का होता है। हाँ। वो दीपावली के 10 दिन बाद में होता है, उसका मेला भरता है पुष्कर मेला। तो वो मंदिर के लिए नहीं भरता है, वो सरोवर के लिए भरता है। इसी सरोवर के ये चारों तरफ राजा महाराजा के 52 घाट बने हुए हैं। ये बीच में जो देख रहे हैं आप यज्ञ स्थल, ये ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थल है। यहाँ ब्रह्मा जी ने और वेद माता गायत्री जी ने बैठ के यज्ञ किया, जिसका प्रतिवर्ष की भांति मेला भरता है। और ये नवंबर में लगता है मेला? नवंबर में। और अभी कोविड में क्या हाल है अभी यहाँ पर? आ रहे हैं यात्री तो आ ही रहे हैं, थोड़े बहुत तो आ ही रहे हैं, पर विदेशी तो अभी धीरे धीरे खुल रहा है सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेलकम। तो पूजा करने के बाद सरोवर से अभी हम जा रहे हैं बैक टू ब्रह्मा जी के मंदिर, ठीक है। और ब्रह्मा जी के मंदिर में अंदर शूटिंग करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही उनका द्वार दिखा दूंगा, और वो है ब्रह्मा जी का मंदिर। जब भी पुष्कर आए तो पहले आपको सरोवर जाना है, सरोवर के बाद आपको ब्रह्मा जी के मंदिर जाना है, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी साहब बिल्कुल। और इनसे मिलना है, इन्होंने हमें बहुत संदीप करके हैं, इनका नंबर मैंने अपने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप इनको कॉन्टेक्ट करना पुष्कर आए तो। मोटिवेट करता है और भी ब्लॉग्स बनाने में, तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब। तो जूस वाले के पास अपने इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत थकान हो गई है, बहुत बहुत सारा शूट किया, बहुत अच्छे से पूजा हुई, इट वॉज अ वेरी वेरी गुड डे। सो सी यू गाइज ऑन अदर साइड, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।